Okay, I think most of the students are well aware of their own topic, the topic which we have given in the PowerPoint presentation. Okay, so I think a little bit interest in all the students are already there, right? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आ चुका है वेल्डिंग में, सबको आ चुका होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ चुका होगा कि वेल्डिंग, और या फिर थोड़ा बहुत ये समझ में आ चुका होगा कि वेल्डिंग में वेल्डिंग क्यों करते हैं, वेल्डिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, इतना आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है। तो बहुत ही क्विक हम लोग करेंगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, इससे कि एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या लिखना है, हमको क्या पढ़ना होगा एक्चुअली, और कैसे हम इसको मतलब थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा लिख सकते हैं, तो ये भी हमको देखना है। और साथ में ही हमको हाउ टू राइट इन एग्जाम वाला लेक्चर भी लेना है, तो उसके लिए आप लोग को बस 10 से 15 मिनट आपको निकालना होगा, और वो आप लोग ऑफलाइन चाहते हो या ऑनलाइन चाहते हो वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्या चाहते हो आप लोग, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाउ टू राइट इन एग्जाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का पहला एग्जाम है जिसमें हम लोग बताएंगे नहीं आपको कि कैसे लिखना है, एग्जाम के टाइम नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग क्या चाहते हो, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन? ऑनलाइन में बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिफिकल्टीज हो जा रही है कनेक्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स तुरंत डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, उनका मोबाइल फोन पे कॉल आने लग रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग बता सकते हैं क्या करना है, ठीक है? अभी आप ऑफलाइन ऑफलाइन कॉलेज में आ रहे हो ना, अभी आप लोग सभी लोग कॉलेज में तो आ रहे हो अभी? Yes, sir. ठीक है, आई विल टेक हार्डली 20 to 25 मिनट्स फॉर हाउ टू राइट इन एग्जाम, ठीक है? तो उसको हम लोग करेंगे, और मिड टर्म 3 के लिए रेडी है सभी मंडे को? कोई बोल ही नहीं रहा है, चलिए yes, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके, सो यूनिट 5 का ये पार्ट था जिसको हमको आज कवर करना है, और हमने इसमें 2 बार प्रेजेंटेशन लिया है, एक क्लास में एक सेक्शन में 2 बार प्रेजेंटेशन लिया है, और हमेशा मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक गैस सिलेंडर का मैंने इमेज दिखाया हुआ है, इसको कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है? इसको स्किप कर रहे थे आप लोग, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बस जस्ट इंट्रोडक्शन में दिखाना चाह रहा था कि ये कहाँ पर यूज होता है एक्चुअल में वेल्डिंग, जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि ये एक्चुअल में वेल्डिंग है, उसको हम वेल्डिंग से ही कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो वेल्डिंग किया है हमने। मेरा एक पर्पज क्वेश्चन था, ये था कि मैं पूछना चाह रहा था कई सारे स्टूडेंट से, बट स्टूडेंट ने इसको स्किप कर दिया था कि वेल्डिंग तो हम लोग ऐसे भी 2 सिलेंडर ले सकते थे, हाफ सिलेंडर ऐसे, और इन दोनों को वेल्डिंग कर सकते थे हम ऐसे, इन दोनों को भी वेल्डिंग कर सकते थे ना, लेकिन हमने ऐसे क्यों किया? और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये मैंने बताया भी है पहले, क्यों निकला हुआ है ये, इसका क्या यूज है, क्यों नहीं हमने इसको फिनिशिंग करके इसको इक्वल सरफेस कर दिया, सेम सरफेस कर दिया पूरा, क्यों नहीं ऐसा किया? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको पता है कि ये सिलेंडर को हम लोग रोल भी करते हैं, तो जब हमने वेल्डिंग किया ना तो इसके 2 फायदे हो गए कि तो ज्वाइंट किया हमने यहाँ पे, ज्वाइंट इसलिए यहाँ पे किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये थोड़ा सा डीप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन पार्ट में आता है कि हमने वेल्डिंग यहाँ क्यों नहीं किया, इन दोनों जगह पे वर्टिकली क्यों हमने सर्कमफेरेंसली वेल्डिंग की है यहाँ पे, इसलिए किया है क्योंकि कोई भी सिलेंडर इस डायरेक्शन में काफी मजबूत होता है, इस डायरेक्शन में अगर इसको खींचा जाए तो मजबूत होता है, अगर हम इसको ऐसे खींचे तो इसमें वीक होता है, और ऊपर से हमने अगर वेल्डिंग कर दिया इसी में जहां जिस साइड में ये वीक है, तो अगर वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग के बाद मटेरियल की स्ट्रेंथ मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उसको हीटअप किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है,
इसलिए हम लोग वेल्डिंग ऐसे वर्टिकली नहीं करते हैं, इसमें हमको सरकमफेरेंसली करना पड़ता है, ठीक है। बट उसके बाद भी बहुत सारे इसके पर्पज फायदे हो जाते हैं, इसको हम रोल करना आसान हो जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रफ सरफेस, यहाँ पे पेंट छूट चुका है, वियर आउट हो चुका है पेंट। क्यों हुआ? क्योंकि यही कॉन्टेक्ट में आता है जब हम इसको रोल करने लगते हैं, जमीन पे हमने इसको रोल करने लगे तो सिर्फ यही एक्सटेंडेड पार्ट कॉन्टेक्ट में आता है। कई जगहों पे यहाँ पे कॉर्नर पे भी आप देखेंगे पेंट छूट गए हैं, यहाँ पे एजेस पे, ठीक है। बट ये देख रहे हैं नाम कभी नहीं बदल रहा है, नाम तो नहीं चेंज हो रहा है, नाम तो नहीं मिट रहा है, भारत गैस। बट ऐसा नहीं है कि पेंट ना छुड़ाने के लिए, क्यों पेंट नहीं छुड़ना है? क्योंकि कोरोजन हो सकता है, कोरोजन होगा मटेरियल थिकनेस कम हो जाएगी और उसका फेलियर बहुत आसानी से हो सकता है। अगर बहुत ही हाई प्रेशर गैस अंदर है तो इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, इसको वेल्डिंग किया और जो एक्सटेंडेड पार्ट था उसको हमने ट्रिम आउट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन क्या, वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन कौन नहीं लिख सकता है। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू डिफरेंट मटीरियल्स, दो डिफरेंट मटीरियल्स को ज्वाइन करने के लिए। द लार्ज बल्क ऑफ मटीरियल दैट आर वेल्डेड आर मेटल्स एंड देयर एलॉयज। जब अभी हमने जब भी देखा है, अपने वर्कशॉप में भी किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमने वेल्डिंग किसको कर रहे हैं, मेटल्स को और या फिर उस मेटल के एलॉय को करेंगे। प्लास्टिक का वेल्डिंग आपने कभी नहीं देखा होगा, नॉन मेटल्स का कभी वेल्डिंग आपने जल्दी देखा नहीं होगा, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो चीज होती है वही हम बात करेंगे। Although the term welding is also applied to the joining of other materials such as thermoplastic, अभी मैंने बोला ना कि प्लास्टिक को भी ज्वाइन करने के लिए हम लोग वेल्डिंग यूज करते हैं, प्लास्टिक को भी ज्वाइन करने के लिए। वेल्डिंग joins different metals alloys with the help of the number of process in which heat is supplied either electrically or by means of a gas torch. जब इलेक्ट्रिकली हमने अप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्क वेल्डिंग। गैस से यूज करेंगे तो गैस वेल्डिंग बोलेंगे उसको। In order to join two or more pieces of a metals together by one of the welding processes. अच्छा ये bullet point नहीं है, ये भी bullet point यहाँ नहीं है, ये यहाँ से ये sentence continuous है, इसके बाद भी ये sentence continuous है। The most essential requirement is the heat. Most is essential. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ heat से ही होगा। Pressure can also be applied. प्रेशर क्यों अप्लाई करना है कोई बताएगा? हीट दे के ही ज्वाइंट नहीं हो जाएगा, कौन बताएगा, बोलो भाई, एम आई ऑडिबल? बोलो, नाम लेना पड़ेगा लग रहा है। प्रियंका, प्रियंका यस त्रिवेदी, हाँ प्रियंका बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है, आ रही है। बताओ प्रेशर क्यों अप्लाई करना है, हीट के अलावा भी, हीट के अलावा उनको प्रेशर क्यों अप्लाई करना है? बताइए, नहीं बताना है। चलिए मैं वन स्ट्रोक में ही खत्म करता हूँ उसको, वेल्डिंग को, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। आपका ये जिम्मेदारी है कि आपको पूछना है क्वेश्चन, नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज हीट, द प्रेशर मे ऑल्सो बी एम्प्लॉयड। प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? अगर मैं बोलूँ दो चीजों को अगर ज्वाइन करना है, ये दो चीजों को लैप ज्वाइंट बना के ज्वाइन करना है, अगर आपने इस पर प्रेशर नहीं दिया तो ये डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा, जो मेल्ट होने के बाद इसमें डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा, ये जैसे चाहता है वैसे ये बेंड हो सकता है। अगर ये हमने इसको प्रेशर ऊपर से नहीं दिया तो ये डिफ्यूज नहीं होगा, जहां पे हमने कॉन्टेक्ट कम रखा है, सॉरी कॉन्टेक्ट ज्यादा रखा है, गैप कम है, वहां पे हीट अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको ज्वाइन करेंगे ताकि हीट अच्छे से ट्रांसफर हो सके वहां पे। तो प्रेशर समटाइम्स नीडेड टू बी अप्लाई, ओके। प्रेशर मतलब क्या, कौन सा प्रेशर, गैस प्रेशर, ये सब नहीं, बस फोर्स लगाना है हमको, ठीक है। सिंस अ स्लाइट गैप यूजुअली एग्जिस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ द वर्क पीसेस, अ फिलर मेटल इज आल्सो टू बी एडेड। फिलर मेटल क्यों यूज कर रहे हैं, जो हमने वेल्ड मटेरियल वर्क पीस को जो वेल्ड करना है उसमें हमने एजेस बनाए हैं। एजेस क्यों बनाए हैं, टू
एजेस क्यों बनाया ऐसा वी शेप का, ताकि मेल्ट होने के बाद वो उसमें आ जाए, सारे वेल्ट पूल सारे मेल्टेड पार्ट उसमें आ जाए, ठीक है। और उसके बाद उस गैप को हमने क्यों गैप ही रखा है, ताकि बताइए गैप क्यों रखा है वी शेप का हमने बनाया, ऐसा ऐसा वी शेप बनाया, हम ऐसा वेल्ड करना चाहते हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में गैप है, क्यों है गैप? फिलर मेटल फिल करते हैं। हाँ, दोनों के बीच में फिलर मेटल आना चाहिए ना, तभी तो दोनों को ज्वाइन करेगा। अगर दो चीज को जिसको ज्वाइन करना है, दोनों को हमने अगल बगल इतना कॉन्टेक्ट में ला के रख दिया, ठीक, तो यहाँ पे जब वेल्डिंग फिलर मेटल मेल्ट होगा वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, सिर्फ सरफेस सरफेस पे वेल्डिंग हो जाएगी। सो वी नीड फिलर मेटल विथ अ गैप इन बिटवीन द एजेस एजेस ऑफ द वर्क पीसेस विदाउट द यूज ऑफ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यूज भी कर सकते हैं फिलर मेटल और विदाउट फिलर मेटल भी यूज कर सकते हैं, जब हम कंज्यूमेबल यूज करते हैं जैसे मिग MIG कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो फिलर मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन कंज्यूमेबल होगा तो फिलर मेटल की जरूरत पड़ेगी। द फिलर मेटल इज मेल्टेड इन द गैप कंबाइंस विद द मोल्टन मेटल, मोल्टन मतलब लिक्विड मेटल ऑफ द वर्क पीस एंड अपॉन सॉलिडिफिकेशन फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेल्ड, इंटीग्रल मतलब उसके अंदर ही समाहित हो जाएगा, उसका एक मेन पार्ट बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट उसी का पार्ट बन जाएगा वो वेल्डिंग। जैसे ये गैस सिलेंडर में दिखाया, यहाँ पे जो हमने वेल्ड किया है ये इसका पार्ट बन गया है, अब इंटीग्रल पार्ट हो चुका है ये, अब लगेगा ही नहीं कि ये दो चीज थी अलग अलग, ठीक है। तो वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी में हमने बात किया था, फिलर मेटल होगा, एसी या डीसी सप्लाई भी होगी, इलेक्ट्रोड्स होंगे, फिलर रॉड तो बता दिया मैंने, वेल्ड बीड, जब आप वेल्डिंग करने लगते हो तो यहाँ पे पुल अप होता है, यहाँ पे पुल अप, मेटल्स सेमी सॉलिड के फॉर्म में है और आप कॉन्टिन्यूसली इसमें गैस और ये इलेक्ट्रोड से प्रेस करते जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा हाइट इसको मिल जाता है, रेज हो जाता है, उसका ये गैप छोड़ा गया है ताकि फिलर मेटल इसमें फिल हो जाए, गैसियस शील्ड देते हैं सो दैट जो लिक्विड मेटल है वो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन और एटमोस्फेरिक गैसेस, तो हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें गैसियस शील्डेड। क्यों यूज कर रहे हैं गैसियस शील्ड, और गैसियस शील्ड में यहाँ पे कौन सा गैस यूज करेंगे, इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, ठीक है, ये सब यूज करेंगे, ऑब्वियसली बेस मेटल होगा जो वर्क पीस है, पैरेंट मटेरियल या फिर वर्क पीसेस। फ्रंट व्यू इसको साइड इस साइड से देखेंगे वेल्डिंग होने के बाद तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे सबसे है इसको बोलेंगे रूट, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो उसको सिंपली गैप बोलेंगे। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये जब सब सबसे ऊपर आएगा इसको बोलेंगे फेस, और ये वर्क पीस है, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना आपको, वेल्ड बीट क्या है, वेल्ड बीट यहाँ से भी दिखा सकते हो आप। तो वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी बोलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना होगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, मैं इसको क्रॉस भी कर रहा हूँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, जो हमने पीछे बात की है सब कुछ ये प्रिंसिपल में भी आएगा, इंट्रोडक्शन वाला, आप इसमें से याद करना चाहते हो या इसमें इधर से याद करना चाहते हो, आप उस दोनों को लिख सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल में। एन आइडियल ज्वाइंट बिटवीन द टू पीसेस ऑफ द मेटल्स और प्लास्टिक कैन बी मेड बाय हीटिंग द वर्क पीस टू ए सुटेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इन अदर वर्ड्स ऑन हीटिंग द मटेरियल सॉफ्ट एंड सफिशियंटली सो दैट द सर्फेसेस फ्यूज टूगेदर, सर्फेसेस फ्यूज हो जाए, एक दूसरे में जुड़ जाए। द बॉन्डिंग फोर्स होल्ड्स द एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स टूगेदर इन अ सॉलिड, दिस बॉन्डिंग ऑन कॉन्टेक्ट इज अचीव ओनली वेन The contaminated surface, contaminated surface मतलब जो surface खराब हो चुके हैं, welding corrosion की वजह से surface uneven है, uneven है तो contact अच्छे से नहीं बन सकता, तो उसको हमको remove करना पड़ेगा। Recontamination is avoided, recontamination मतलब जब हम molten metal में convert हो जाता, जब हमने heat supply कर दी तो atmosphere में बहुत सारे oxygen है, वो oxygen हमारे metal के surface पर react करके oxide के layer बना लेते हैं, वो रिकॉन्टेमिनेशन बोलते हैं उसको, द रीऑक्सीडेशन, रीऑक्सीडेशन जिसकी वजह से सरफेस पे एक हार्ड लेयर बन जाता है, इसको बोलते हैं रिकॉन्टेमिनेशन सरफेस। द टू सरफेसेस आर मेड स्मूथ फ्लैट एंड फिट ईच अदर एग्जैक्टली, और वो भी इंपॉर्टेंट है जो शील्डिंग गैस है। इन हाईली डिफॉर्मेबल मटीरियल द अबव एम्स कैन बी अचीव्ड बाय रैपिडली फोर्सिंग द
two surfaces of the workpiece to come closer together so that the plastic deformation make them shape conform to each another. देखिए अगर मान लीजिए मुझे दो चीज वेल्डिंग करनी है और एक का सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, और दूसरे वाले का सरफेस थोड़ा सा फ्लैट है और दोनों को कॉन्टेक्ट में दोनों के बीच में वेल्डिंग करनी है, तो हमने क्या किया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, इतना फोर्स लगाया कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद ये कंप्रेस होके सरफेस फ्लैट हो गई. ठीक है, अब इसमें हम वेल्डिंग करना आसान है कि नहीं आसान, तो हम बस फोर्स लगा के बहुत ही रैपिडली फोर्स अप्लाई करके दोनों सरफेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करवाया जिसकी वजह से सरफेस एक दूसरे में जम गई, दोनों एक दूसरे के हिसाब से बन गई. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट वे नोन टू वेल्ड मेटल्स बाय हैमरिंग द पीस टुगेदर व्हाइल दे आर इन हॉट कंडीशन. अगर हॉट कंडीशन में है तो आप छोटा सा भी फोर्स लगा के उस, क्योंकि हॉट कंडीशन में वो सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल, जो हमने हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ा था, हैमरिंग करते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस भी पढ़ा था हमने फॉर्मिंग में, कि हमने अगर उसको हीट कर दिया तो उसको हैमरिंग करना आसान हो जाता है. तो प्री हीटिंग भी वेल्डिंग में कर सकते हैं सो दैट जो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसानी से हो जाए, सो दैट ये कॉन्टामिनेटेड सर्फेस जो अनइवन सर्फेस है वो स्मूथ सर्फेस में कन्वर्ट हो जाए. ठीक, नेक्स्ट कुछ इमेजेस हैं, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, स्पॉट, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि एक बार आप समझ जाओ. देखेंगे आर्क वेल्डिंग में बहुत ज्यादा स्पार्कल्स जनरेट होते हैं, गैस वेल्डिंग में इतना ज्यादा स्पार्किंग नहीं होती है. ऑब्वियसली आर्क वेल्डिंग में आर्क है तो आर्क जनरेट होगा ही. एंड अंडर वाटर वेल्डिंग इज ऑल्सो कैन बी डन बाई यूजिंग द शील्डिंग गैसेज ऑफ हाई क्वालिटी. स्पॉट वेल्डर, जैसे आपको दिख रहा है ये स्पॉट है, ये यहाँ से वेल्डिंग होगा. ठीक है, जिसका अपना खुद का टॉपिक था प्रेजेंटेशन में, शायद वो बहुत अच्छे से क्लियर है सबको, बताइए है कि नहीं, अपना खुद का टॉपिक. यस सर. यस सर. तो बाकी दूसरे टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना और उसको पढ़ने की कोशिश करना. आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें शायद आपको एग्जाम के टाइम सिर्फ डायग्राम देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप अपने आप लिख सकते हो, तो उस पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना है. क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देखिएगा, क्लासिफिकेशन में आपको एक दो वेल्डिंग का नाम याद रखना है, एक दो वेल्डिंग का, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. देयर आर 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, हो सकता है 35 से ज्यादा भी हो. ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पूरा हटा रहा हूँ, ये पूरा हटा रहा हूँ, ये नोट्स मैं शेयर करूंगा आपको, ये पूरा हटा रहा हूँ. देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्लासिफाइंग द वेल्डिंग ऑफ द अलाइड प्रोसेस. इतना अलाइड प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस के अंदर भी कई सारे प्रोसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल दे मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट, फ्लेम, आर्क, एटसेट्रा. दूसरा है द टाइप ऑफ इंटरक्शन, लिक्विड लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीज. सोर्स ऑफ हीट क्या है, फ्लेम से है या आर्क से है, फ्लेम से है या आर्क से. आर्क से कौन सा वेल्डिंग होता है बताइए, आर्क से कौन सा वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग. फ्लेम से कौन सा होता है, गैस वेल्डिंग. वेरी गुड, गैस वेल्डिंग. और भी बहुत सारे होंगे, जैसे रेसिस्टेंस से आपने हीट जनरेट किया तो सोर्स ऑफ हीट वहां पे क्या हो गया, रेसिस्टेंस की वजह से रेसिस्टेंस वेल्डिंग हो गया. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन. अब अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में हो रहा है तो ये बताइए, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग की बात करूं मैं, अगर आर्क एंड गैस वेल्डिंग, ये बताइए लिक्विड लिक्विड फ्यूजन वेल्डिंग है या सॉलिड सॉलिड फ्यूजन वेल्डिंग है, मतलब दो चीजों को मैं जोड़ने जा रहा हूं, बताइए. सॉलिड है, लिक्विड है बेटा. दोनों को हमने हीट दिया तो दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसके बाद तो जुड़े दोनों. यस सर. दोनों सॉलिड में कहां थे? यस सर. लेकिन आप सोच रहे होगे कि सॉलिड सॉलिड वाला कौन सा होगा, बोलो. यस सर. चलो आगे देखेंगे अभी गैस वेल्डिंग. अब गैस वेल्डिंग में किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, लिक्विड प्लस लिक्विड में. अभी गैस वेल्डिंग में बहुत सारे एयर एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, प्रेशर गैस वेल्डिंग, आपको बस ये याद रखना है, ये वाला नाम लिख सकते हो आप. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द गैस वेल्डिंग इज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. इन सब का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज द आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग में हमने क्या पढ़ा है, TIG एंड MIG. ठीक है, आर्क वेल्डिंग में दो पढ़ा है, सिर्फ आपको दो याद रखना है.
ये सारे याद नहीं रखने हैं, क्लियर। उसका देखिए रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग में आ गया स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, बाकी सारे नहीं याद रखने हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, बस नाम याद रखना है फ्रिक्शन वेल्डिंग, मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने इसको आगे ऐड ही नहीं किया हुआ है। हमने सिर्फ देखा है आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग और पीछे क्या था गैस वेल्डिंग, ये देखा था। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें सॉलिड सॉलिड वेल्डिंग होता है, क्या होता है देखिएगा एक बार मैं बस बता दूं। देखिए जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है दोनों को जोड़ना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करा दिया, आरपीएम दे दिया बहुत ज्यादा, 2000 आरपीएम, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी और इसको दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, तो आपको लगता नहीं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा? बोलो। यस सर। और उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी, उस हीट से लोकलाइज्ड विदाउट मेल्टिंग वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सॉलिड सॉलिड में थे, बहुत ही कम मात्रा में आप बोल सकते हो कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा कुछ, बट बहुत ही माइन्यूटली। बट आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में आप देखेंगे पूरा मेल्ट हो जाता है, उसके बाद वेल्डिंग सॉलिडिफाई होने के बाद वेल्डिंग होता है, तो इसमें बोलेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। एक और याद रख लीजिएगा आप, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, नाम याद रखना है सिर्फ, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ये कैसे होता है देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाना है, दोनों प्लेट को, बट ये एक दूसरे के ऊपर अभी रखे हुए हैं, अभी क्या है दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, 1 and 2, ठीक है। यानी प्रॉब्लम बताओ ये कैसे वेल्डिंग करोगे, ये पूरा हर जगह चिपकाना है इसको, अंदर एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर चिपका देना है, देख रहे हैं आप ऐसे, बोलो भाई। यस सर। हाँ, इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे वेल्डिंग करेंगे बताइए, आपके पास अभी तक कोई वेल्डिंग प्रोसेस है जो दो बड़े बड़े प्लेट को एड जोड़ दे, दो बड़े बड़े प्लेट्स को जोड़ दे, बताइए आपके पास कोई तरीका है? बहुत बड़ा बड़ा प्लेट है, दोनों को हर जगह से जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है, हर जगह इस सरफेस पे दोनों हर जगह जोड़ना है, ऐसा नहीं कि आप साइड साइड जोड़ दोगे बस, ऐसा कोई तरीका है जो आप तक अभी तक पता है नहीं ना? नो सर। हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए अब दो प्लेट रख दिया एक दूसरे के ऊपर और एक ऊपर वाले प्लेट के ऊपर, जस्ट ऊपर हमने लगा दिया डेटोनेटर, बारूद पूरे सरफेस पे लगा दिया, पूरे सरफेस पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको लिट किया, जला दिया, इसको जलाया तो ये जैसे एक्सप्लोड होगा, इसको नीचे धक्का देगा ऊपर वाले प्लेट को, और नीचे वाला प्लेट तो सरफेस पर रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है, तो जो धक्का देगा उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से लोकलाइज्ड वेल्डिंग हो जाएगा हर पॉइंट पे, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. ये दोनों आपको नहीं याद रखना है, चार आपको याद रखना है, ये सॉलिड सॉलिड वाला था इसलिए मैंने बताया सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट चीज आर्क वेल्डिंग में आपने कई सारे स्टूडेंट ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों ने, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में मान लीजिए एग्जाम में आता है कि राइट एक्सप्लेन अबाउट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, तो आपको दो तीन लाइन लिखनी है और इसी दो तीन लाइन को आप लोग बोल दोगे, क्या बोलोगे, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, या फिर वर्किंग, ठीक, इसी को आप नाम दोगे। अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो आप डायग्राम बनाओगे और ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज द फ्यूजन मेथड, फ्यूजन मतलब लिक्विड ऑफ वेल्डिंग दैट यूटिलाइज द हाई इंटेंसिटी ऑफ आर्क जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ करंट टू मेल्ट द वर्क पीस, मेल्ट मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है,
अ सॉलिड कॉन्टिन्यूअस ज्वाइंट इज फॉर्म्ड अपॉन कूलिंग। अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है ऐसे, हाँ प्रिंसिपल में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पूरे पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूं, इस पूरे पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए और डीप नॉलेज के लिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों को दिया था कि आपको ये ना लगे कि बहुत ही कम है क्या, ऐसा ही है क्या हल्का, तो आप थोड़ा भी पढ़ते नहीं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में भी याद आ जाए, तो आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आर्क वेल्डिंग के ये बस डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल ऐसे लिख सकते हो, बट अलग अलग पूछे तो टीआईजी आपसे पूछा जाए आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो लिखोगे आप, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और दूसरा है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीआईजी एंड एमआईजी। टीआईजी को शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जीटीएडब्ल्यू इज अ ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द वर्कपीस आर ज्वाइंट बाय द हीट ऑब्टेंड फ्रॉम द एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन, स्ट्रक मतलब बीच में फंस गया, स्ट्रक मतलब अंदर आ गया है, सॉरी स्ट्रक मतलब फंस नहीं गया, अंदर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्रक कर रहा है, ठीक है। बिटवीन अ नॉन कंज्यूमेबल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत टीआईजी के लिए, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस तक होती है और 3000 से ज्यादा भी हो सकती है, तो इसमें बहुत ज्यादा होती है तो वो मेल्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे टीआईजी यूज करेंगे वहां पे आ जाएगा डायरेक्टली फिलर मेटल आ जाएगा, ठीक है। और गैस गैसियस शील्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दीजिए, कॉलेट मतलब ये जैसे ऐसे आप ऐसे ऐसे इसको रोटेट कराना पड़ता है, ठीक है। रोटेट क्यों कराना पड़ता है, हो सकता है इधर कुछ मेटल इसमें ज्वाइंट हो गए, तो जब रोटेट कराएंगे तो इससे टकरा के इससे निकल जाएगा बाहर, तो कॉलेट के थ्रू इसको रोटेट कराते हैं। तो शील्डिंग गैस इधर से आप पास कराते हो, शील्डिंग गैस पास कराते हो, उसके बाद पावर सप्लाई दिया, टॉर्च का हैंडल है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, वेल्ड बीड बन रहा है, उसके बाद वर्कपीस आपको दिख रहा है और इस वर्कपीस को हमने किया है अर्थिंग, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। अब साथ में ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर सको, सिर्फ उसी की वेल्डिंग हम टीआईजी से कर सकते हैं। बोलिए, आर्क वेल्डिंग सिर्फ उसी की हो सकती है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हो, am I right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. फिलर मेटल यूज किया जाता है, किया जा सकता है या नहीं भी किया सकता है। कई बार क्या होता है कि जो गैप है इतना भी कम नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही छोटी जगह पे आपको वेल्डिंग करनी है तो वहां फिलर मेटल की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी सी जगह पे, क्योंकि वो लिक्विड मेटल ही मेल्ट होकर वहां पे फिल कर देगा अपने आपको, ठीक है। तो वहां पे फिलर मेटल की जरूरत हो भी नहीं सकती, जरूरी है कि टीआईजी में हमेशा फिलर मेटल यूज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको फिलर मेटल यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है। बोलिए, इलेक्ट्रोड इज नॉट गोइंग टू बी मेल्ट, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि अगर आपको एप्लीकेशन पूछ ले तो एप्लीकेशन सिर्फ एडवांटेज से ही बन सकता है, आपको एप्लीकेशन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, एडवांटेजेस कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर शफलिंग करनी होगी, इट कैन बी यूज फॉर द सुटेबल फॉर द थीन मेटल्स। बोलिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताओ जो अभी मैंने बात किया है, डिसएडवांटेजेस नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी वेल्डेड बाय यूजिंग टीआईजी। बोलो, टंगस्टन मटेरियल बहुत ही कॉस्टली होता है, टंगस्टन मटेरियल व्हेन गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द मोल्टन मेटल कंटामिनेट्स द सेम लीडिंग टू द हार्ड एंड ब्रिटल जॉइंट्स। अगर ये टंगस्टन मटेरियल अगर मेल्ट होके उसमें मिक्स हो जाता है तो वहां पे वो सरफेस बहुत ही हार्ड और ब्रिटल बना देगा, बाई चांस अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो टंगस्टन मेटल मेल्ट हो सकता है और वो वर्कपीस में एड हो जाएगा। स्किल ऑपरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई, प्रोसेस इज स्लोअर। क्यों स्लोअर है, क्योंकि फिलर मेटल यूज कर रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई होने में ज्यादा टाइम लगेगा, नॉट सुटेबल फॉर थिक मेटल्स, थिक मेटल्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। डिसएडवांटेज में भी आपको दो पॉइंट मैक्सिमम लिखनी है, दो पॉइंट्स,
एडवांटेज कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज मेटल इनर्ट गैस. बस इसमें क्या डिफरेंस है, कंज्यूमेबल फिलर इलेक्ट्रोड आता है तो ये इसको कंटिन्यूअसली आपको सप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे फिलर मेटल की जरूरत नहीं है, यहाँ फिलर मेटल की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही खुद ही कंज्यूम हो रहा है. कंज्यूम मतलब एज अ फिलर मेटल वर्क कर रहा है. वंस अगेन द मेटल इनर्ट गैस इज ऑल्सो कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव. वर्कपीस कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए या नॉन कंडक्टिव? कंडक्टिव कंडक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये आर्क वेल्डिंग है. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आर्क वेल्डिंग. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका एप्लीकेशन वही है जहां पे इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट आपको कम चाहिए, कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें से आप पॉइंट्स देखना कि कौन सा पॉइंट्स इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड आएंगे. वेयर द फ्लक्स कैन नॉट बी यूज देन वी हैव टू यूज MIG. दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन. थिन एंड थिक मेटल्स कैन बी यूज, सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन. प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड, वेयर द ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड देन वी कैन यूज MIG. ठीक है. अब डायग्राम एक साथ देखेंगे अगर हम, तो अलग अलग बता सकते हैं कि यहाँ पे फिलर मेटल यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई फिलर मेटल नहीं है, यहाँ पे वायर रील यूज हो रहा है. ठीक है, बोलो. Yes, sir. और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों डायग्राम सेम टू सेम बना सकते हैं आप. उसमें फिलर मेटल लगा दीजिएगा और इसमें इलेक्ट्रोड की जगह पे रील्स लगा देंगे अंदर तक इलेक्ट्रोड की तरफ. यहाँ पे इलेक्ट्रोड आप देखेंगे खत्म हो जा रहा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है. दोनों को मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फिलर मेटल डाल दिया TIG में. दिस इज TIG एंड दिस इज MIG, मेटल इनर्ट गैस. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज गैस वेल्डिंग. डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग. अब ये डेफिनेशन क्या है, गैस वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस. फ्यूजन मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड. इट जॉइंट्स मेटल्स यूजिंग द हीट कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एन ऑक्सीजन. कंबस्शन विदाउट ऑक्सीजन या एयर के नहीं हो सकता कंबस्शन, और कंबस्शन किसका होगा, किसी फ्यूल का होगा. बट यहाँ पे हम कौन सा वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग, तो फ्यूल भी कैसी होगी, गैस जैसी होगी. अभी गैस में हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं, एसिटिलीन. ठीक है, और भी दूसरे गैस वेल्डिंग्स होती हैं जिसमें हम हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं, प्रोपेन यूज कर सकते हैं, ब्यूटेन यूज कर सकते हैं. LPG सिलेंडर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वेल्डिंग इक्विपमेंट. ओके, नेक्स्ट इज द इंटेंस हीट, दैट इज फ्लेम. इंटेंस हीट, जो फ्लेम या फिर हीट बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकले तो उसको फ्लेम बोलने लगते हैं. दस द प्रोड्यूस मेल्ट्स एंड द फ्यूजेस टुगेदर द एजेस ऑफ द पार्ट्स टू बी वेल्डेड, जनरली विद द एडिशन ऑफ फिलर मेटल. फिलर मेटल बार बार यूज करना ही पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड नहीं है, यहाँ पे फिलर मेटल यूज करना ही पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग, अब ये देखो, अब ऊपर हमने जो पढ़ा है उसी में प्रिंसिपल भी दिख रहा है आपको, बट और भी थोड़ा एलोबरेट करके आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है. अगर आपने ये पॉइंट भी याद किए हैं, दैट ऑल्सो कैन बी रिटेन इन द प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग दिस पार्ट. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया गया है. किसी को डाउट है अभी तक? नो सर. ओके, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग देख रहा हूँ.
व्हेन द फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन अ सुटेबल प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन आपको याद होगा, इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेम्स जनरेट होते हैं इन द वेल्डिंग टॉर्च एंड इग्नाइटेड द फ्लेम रिजल्टिंग एट द टिप ऑफ द टॉर्च इज सफिशियंट इनफ टू मेल्ट द एजेस ऑफ द वर्क पीसेस. एजेस पूरे वर्क पीस को मेल्ट नहीं करेगा, सिर्फ एजेस को करेगा, सिर्फ एजेस को करेगा, ठीक है. एजेस को कई यहां पे ये जो एज है, ये जो वर्क पीस है, यहां पे मेल्ट होगा सिर्फ यहां पे, ठीक है. इसी इसी के मेल्टिंग की वजह से धीरे धीरे ये एजेस, नए नए एजेस क्रिएट हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर नया एज बनेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा. अगर आप पूरी बॉडी को, पूरे ऑब्जेक्ट को मेल्ट करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा गैस वेल्डिंग से, ठीक है. सो सफिशियंट इनफ टू मेल्ट द एजेस ऑफ द वर्कपीस मेटल्स. अ सॉलिड कॉन्टिन्यूस ज्वाइंट इज फॉर्म्ड अपॉन कूलिंग. द टू फैमिलियर फ्यूल गैसेस यूज्ड इन द गैस वेल्डिंग, एक है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन गैस, और एक ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग प्रोसेस ऑल्सो कैन बी यूज, बट सबसे ज्यादा फेमस है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है. अभी हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल नहीं है, अभी एसिटिलीन बहुत ही इजिली अवेलेबल है. ऑक्सी एसिटिलीन गैस में आप टेम्परेचर कहाँ तक पाओगे? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज गैस वेल्डिंग प्रोसेस ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर. फ्लेम टेम्परेचर कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस. वेन कंपेयर टू द ऑक्सी हाइड्रोजन गैस दैट इज 2500 डिग्री सेल्सियस. बट यही आपको आर्क वेल्डिंग में कितना मिलेगा, कोई बताएगा जिसने दिया था प्रेजेंटेशन? आर्क वेल्डिंग में इससे ज्यादा है या कम है? 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ऑलमोस्ट डबल. ऑक्सीजन इज नॉट अ फ्यूल, इट इज व्हाट केमिकली कंबाइंस विद द फ्यूल गैस टू प्रोड्यूस द हीट फॉर वेल्डिंग, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एक्चुअली द ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर गेटिंग टेकिंग प्लेस ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन से ही हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है. तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये सब लिखने की जरूरत है क्या आपको? बोलो. ये जो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, यही काफी नहीं है विद दिस डायग्राम, ठीक है. तो ये पूरा पूरा मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है सर. टॉर्च टिप किस मेटल की होती है? कौन सी टॉर्च टिप? टॉर्च टिप किस मेटल की होनी चाहिए बताओ? यस सर. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस मेटल की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि ये अपना काम बहुत ही इजीली कर सके, इसका काम क्या है? सर ये यहाँ से तो सर ज्यादा गैस गैस प्रोड्यूस होती है जिससे हीट उत्पन्न होती है. चैम्बर देखो कहाँ है, मिक्सिंग चैम्बर कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है. जो फ्लेम बना हुआ है ये अंदर, आग जो फायर हुआ है वो अंदर हुआ है, बट वो उसको बाहर निकालना है इस रास्ते से, एक टिप के फॉर्म में निकालना है, ठीक है. तो इसका मतलब इसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए. यस सर. मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ पे जो टेम्परेचर, देखो जो फ्लेम बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर जो, और अंदर जो गैसेस कंबस्ट हुई है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ठीक है. तो ये एक्चुअल में जो बनाई जाती है ये टंगस्टन से बनाई सकती है, क्योंकि वही मैंने बोला टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है. लेकिन जो जो फ्लेम बाहर निकल रहा है, जो फ्लेम बाहर निकल रहा है, जो टिप के फॉर्म में निकल रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू अंदर कितना जनरेट हुआ, उसमें टेम्परेचर कम होगा. जब ये बाहर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा होगा, ठीक है. एडवांटेजेस, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोसेस, इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस सिचुएशन. अभी देखिए, अभी ये इसका जो एडवांटेज है ये भी है कि ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल के लिए भी यूज किया सकता है, नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल के लिए, ठीक है. लो कॉस्ट, यूजली पोर्टेबल. पोर्टेबल है क्या ये? एक्चुअली पोर्टेबल थोड़ा मुझे एडवांटेज में नहीं आना चाहिए था, तो इस पॉइंट को हटाई देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको. ये पोर्टेबल किसी के रिस्पेक्ट में बता रहा है, दूसरे वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में,
बट मेरे हिसाब से ये सिलेंडर है तो ये पोर्टेबल नहीं होना चाहिए. यस सर. सिंस द सोर्स ऑफ हीट एंड द फिलर मेटल आर सेपरेट द वेल्डर हैज अ कंट्रोल ओवर फिलर मेटल डिपोजिशन रेट्स. ओके. द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज रिलेटिवली स्लो. हीटिंग और कूलिंग स्लो है. इन सम केसेस दिस इज एन एडवांटेजेस. कैसे? द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज रिलेटिवली स्लो. इससे फायदा क्या होगा? इसके लिए आपको थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा. कैसे होगा ये हीटिंग और कूलिंग स्लो है, फायदा कैसे है? देखो सडनली जब आप हम हीट करते हैं और वो मेल्ट हो गया, सडनली हमने हीट किया और मेल्ट हो गया, तो जो सॉलिड से लिक्विड बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा बाहर, तो मटेरियल का लॉस हो सकता है, वो कहीं और चला सकता है, स्प्लैश हो सकता है, बाहर निकल सकता है. लेकिन अगर धीरे धीरे हीट अप करेंगे तो वो अपने पेरेंट मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ होगा. Yes, और साथ में जब हम कूलिंग करेंगे और कूलिंग बहुत स्लो होगा तो सॉलिडिफाई धीरे धीरे होगा. सॉलिडिफाई में भी उल्टा देखेंगे, अगर बहुत जल्दी खींच लिया, सॉलिडिफाई अपने बहुत जल्दी किया, कूलिंग बहुत फास्ट किया, तो सारा एटम्स एक दूसरे को जुड़ना चाहेंगे जल्दी से. इसकी वजह से कई सारे मेटल्स दूर ही छूट जाएंगे. जो दूर होंगे वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएंगे, उनका मोशन बहुत ही स्लो हो पाएगा. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल बनेगा तो फास्ट कूलिंग भी नहीं होती है. तो ये एक एडवांटेज होगा कि स्लो कूलिंग से फायदा है. वेल्डर हैज अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इन द वेल्ड जोन. ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है. द इक्विपमेंट इज अ वर्सेटाइल लो कॉस्ट. द कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ द गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट इज लो, बहुत ही लो है. हैवी सेक्शन कैन नॉट बी ज्वाइंट इकोनॉमिकली. हैवी सेक्शन, भारी भारी सेक्शंस बहुत ही इकोनॉमिकली यूज नहीं किया सकता, क्योंकि गैस सिलेंडर को जैसे शिप बिल्डिंग है, वहां पे आपको वेल्डिंग करना है तो आप आर्क वेल्डिंग लेके जाते हो, बहुत छोटा सा जो आर्क जनरेटर होता है उसको लेके जाके हम लोग वेल्डिंग डायरेक्टली कर सकते हैं. बट गैस वेल्डिंग के लिए आपको सिलेंडर को लेके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत इकोनॉमिकली नहीं है. द फ्लेम टेम्परेचर इज लेस. ठीक है, जिसकी वजह से अभी हम लोग आगे देखेंगे गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में जो डिफरेंस है कि टेम्परेचर कम है तो उससे क्या दिक्कत है. फ्लक्सेस यूज इन द सर्टेन वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग ऑपरेशंस प्रोड्यूस फ्यूम्स. आप फ्लक्स यूज करते हो किसके लिए? शील्डिंग के लिए. और फ्लक्स अगर हीट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां से बहुत सारी गैसेज निकलती है जो कि इरिटेटिंग है फॉर द आईज, नोज, थ्रोट, लंग्स के लिए इरिटेटिंग है. गैस फ्लेम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप द मेटल देन एन आर्क. देखो अभी यहाँ पे लिख दिया ना, इन सम केसेस दिस इज एन एडवांटेज. अब इसी को डिसएडवांटेज बना दिया गया, इसी को डिसएडवांटेज बना दिया गया. ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, वो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो. देखिए क्वेश्चन अगर बहुत ही कम मार्क्स का आता है तो सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम इज सफिशियंट, बट अगर 10 मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स में आता है तो आपको साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना चाहिए. ठीक है, फ्लेम करेक्ट. यस सर. न्यूट्रल फ्लेम आपको पता ही चल गया है कि 1:1 अगर है तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे. ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा. बोलो. ऑक्सीजन ज्यादा होगा या एसिटिलीन कम होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा. ऑक्सीजन ज्यादा होगा. देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे वन बाय वन चलते हैं. देखिए ये क्या लिखा हुआ, अ न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर मिक्स्ड. ठीक है, दैट इज सफिशियंट. अब ये टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना कि गैस वेल्डिंग में 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होता है. ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए. ओके, देन अ न्यूट्रल फ्लेम इज नेम्ड सो बिकॉज इट अफेक्ट्स नो केमिकल चेंज ऑन द मॉल्टन मेटल एंड देयरफॉर विल नॉट ऑक्सीडाइज और कार्बोराइज द मेटल्स. ना ही ऑक्सीडाइज करता है, ना ही कार्बोराइज करता है, ना ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करता है जो पेरेंट मटेरियल है, ना ही उसमें कार्बोराइज. देखिए एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है, C2H2. C2H2 के पास क्या है, कार्बन है. और मैंने बताया था कार्बन इंक्रीज करने पे हार्डनेस बढ़ती है. बोलो.
कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, हार्डनेस बढ़ती है, ठीक है। तो हम अगर मेटल को वेल्ड करना चाहते हैं तो हमने अगर न्यूट्रल फ्लेम से किया तो इसके ऊपर ना ही ऑक्साइड का लेयर बनेगा ना ही कार्बन का लेयर बनेगा, जिसकी वजह से मेटल की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी वेल्डिंग करने के बाद भी, ठीक है, यूनिफॉर्म होगी। द न्यूट्रल फ्लेम इज कॉमनली यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील, क्योंकि माइल्ड स्टील का यूज करेंगे तो उसमें कार्बन पहले से ही है, तो अगर आपने न्यूट्रल से किया तो इसका प्रॉपर्टी बदलने वाला नहीं है। स्टेनलेस स्टील और कॉपर, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम कैन बी वेल्डेड बाय यूजिंग न्यूट्रल फ्लेम। अब यहाँ पे अब ध्यान रखना हमको कि इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रल फ्लेम में ये 1.1 इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस याद रखना है 1:1, ये बस एग्जैक्ट वैल्यू पे जा रहा है 1.121, मतलब जो रेशियो होगा 1:1 होगा या फिर 1:1.1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग में क्या करेंगे, देखिए सपोज यहाँ पे 5 लीटर ऑक्सीजन यूज किया और 5 लीटर एसिटिलीन यूज किया, ठीक है, तो कौन रेशियो कितना है, ये 1:1 ही तो है, ठीक। अब हमने क्या किया, 6 लीटर या फिर एक सेकेंड, ये हो जाएगा 7.5 लीटर ऑक्सीजन और 5 लीटर C2H2, तो C2H2 तो उतना ही रखा 5 लीटर, ऑक्सीजन कितना कर लिया, ज्यादा कर लिया, तो फ्लेम क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। Yes, ठीक है? अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और मैंने बताया था एक बार कि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है, तो अगर एल्यूमिनियम का इससे करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से, तो उस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा सरफेस पे, यहाँ पे जहां पे आपने वेल्डिंग किया है यहाँ पे बन जाएगा एलुमिना Al2O3, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी जहां पे आपने वेल्डिंग किया है, जो कि नॉट रेकमेंडेड है, इसलिए इसका एल्यूमिनियम के लिए नहीं करते, किसमें करते हैं, कॉपर और जिंक का करते हैं, बट ये न्यूट्रल वाला किससे कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उतना है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा किसको जलाने में लग गया, एसिटिलीन को, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है 2.5 लीटर, बोलो बोलो भाई बोलिए। यस सर। अच्छा ये रेशियो कितना बन के आ रहा है, 1.5:1 आएगा ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, देन रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या किया गया है, 5 लीटर ऑक्सीजन तो था, अब हमने क्या कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, एसिटिलीन तो उतना ही था 5 लीटर, अब हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को 1 लीटर कम कर दिया, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम। अब इसमें ऑक्सीजन का ये क्या कहते हैं, ये एसिटिलीन ज्यादा हो गया। रिड्यूसिंग फ्लेम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसिटिलीन फेदर व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द इनर कोन एंड द आउटर एनवेलप। ये जो बाहर का है और ये अंदर का, यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा हो गया तो ये दिखाई देने लगेगा। अपन जाते हैं। यस सर। ठीक है। मेटल्स दैट टेंड टू एब्जॉर्ब कार्बन शुड नॉट बी वेल्डेड विद द रिड्यूसिंग फ्लेम। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, दो पॉइंट और सफिशियंट भी है। माही शर्मा प्लीज अपना माइक और वीडियो बंद रखें। माही शर्मा ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं इसी में, क्यों ज्वाइन करते हैं, समझ नहीं आ रहा, जब पढ़ना ही नहीं है तो ज्वाइन क्यों करते हैं आप लोग। जस्ट मैंने बोला है तो मेरे को फॉलो करना है, बेटा अपने आप को फॉलो करो, जो तुम्हारा मन करता है करो, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर आपको लगता है ये बर्डन है तो छोड़ दीजिए,
माही शर्मा मिलो तुम मुझसे कल। जब माही शर्मा तो मिलना ही पड़ेगा बेटा, आप तो आपके मार्क्स भी बहुत कम है। माही शर्मा मुझे याद आ रहा है, अभी मैं सीएमडी और बीएमई की कंबाइंड लिस्ट कुछ समय में भेजने वाला हूँ, जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अदरवाइज वो मतलब फेल, कई लोग तो फेल ही हैं, तो उनको तो इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी फेल नहीं होगा, तो मैं लिस्ट भेजने वाला हूँ उनको, तो आना ही पड़ेगा, मैं अगर बुलाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको फ्लेम्स में, टाइप्स ऑफ फ्लेम में आपको दो दो पॉइंट लिखने होंगे, दो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो पॉइंट कौन से, एक तो आप बताओगे कि दोनों के मिक्सर में प्रोपोर्शन क्या है, और दूसरा पॉइंट बताओगे कि किस टाइप के मटेरियल को इससे हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें बोला है कि जो कार्बन को, इसमें बताओ कार्बन ज्यादा होगा ना, ये एक्स्ट्रा होगा कार्बन रिड्यूसिंग फ्लेम में, यस बोलिए। सर, रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन ज्यादा होगा, ठीक है, तो कार्बन ज्यादा होगा तो कार्बन अगर मटेरियल में ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो उसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी जहां पे आपने वेल्डिंग किया होगा, जो कि नॉट रेकमेंडेड है, जो कि नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, हार्डनेस आपको एक जगह पे बढ़ा के कहीं दूसरी जगह पे कम नहीं करना है। तो ऐसा मटेरियल जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसका आप वेल्डिंग रिड्यूसिंग फ्लेम से नहीं करोगे। ठीक है, फिर वही अगर आपको पॉइंट और ऐड करने हैं, तो बस वही टेम्परेचर लगभग 3000 से 3200 ऐड लिख सकते हो आप सेंटेंस में। कार्बोनाइजिंग फ्लेम डी इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम, बट समटाइम्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिड्यूसिंग फ्लेम। ये सी सी से ही जुड़ा हुआ है, रिड्यूसिंग फ्लेम से ही जुड़ा हुआ है। रिड्यूसिंग फ्लेम मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कार्बोनाइजिंग फ्लेम, कैसे ये डिफरेंट है। रिड्यूसिंग फ्लेम जो अभी हमने पढ़ा वो कार्बोनाइजिंग फ्लेम से क्यों है, द फैक्ट दैट द कार्बोनाइजिंग फ्लेम कंटेन्स मोर एसिटिलीन देन अ रिड्यूसिंग फ्लेम। अभी मैंने बोला रिड्यूसिंग फ्लेम में 4:1 है, मतलब 4 लीटर ऑक्सीजन, 5 लीटर एसिटिलीन O2 और C2H2। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, दैट द कार्बोनाइजिंग फ्लेम कंटेन्स मोर एसिटिलीन देन अ रिड्यूसिंग फ्लेम, मतलब 4 लीटर तो होगा ही ऑक्सीजन, ये और ज्यादा हो जाएगा, कौन एसिटिलीन। ठीक है, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड इन द वेल्डिंग ऑफ लीड एंड द कार्बोनाइजिंग पर्पजेस, ये क्या, कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड इन द वेल्डिंग ऑफ लीड, लेड लेड की वेल्डिंग करने के लिए, एंड फॉर कार्बोनाइजिंग पर्पजेस। कार्बोनाइजिंग आपने बताया था हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बताया था, यस सर, कार्बोनाइजिंग बताया था, बोलो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, अभी मिड टर्म 3 इसी पे होने वाला है। दिस फ्लेम इज वेरी वेल यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील। भाई देखो, पहले से ही जिसमें कार्बन ज्यादा है उसमें थोड़ा सा और कार्बन ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो, नहीं ना। आपने हाई कार्बन स्टील को क्यों बनाया है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो हार्ड रहे, ठीक है, हार्ड चाहते हो आप। उसके बाद आपने उसको कार्बोनाइजिंग फ्लेम से कर दिया तो मटेरियल और हार्ड हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो मटेरियल आप चाहते थे सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हो, लेकिन आपने वेल्डिंग कर दिया कार्बोनाइजिंग से, तो उसका जो वेल्डिंग जोन है वो हार्ड हो जाएगा, जो कि नॉट रेकमेंडेड है। बट अगर मटेरियल पहले से हार्ड है बिकॉज ऑफ कार्बन, उसको हम और कार्बन ऐड कर दें तो ये तो एडवांटेज हो जाएगा और, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाकी आप 3 पॉइंट इसमें या 2 पॉइंट याद रख सकते हो। आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, इसमें से आपको 5 5 याद रखने हैं, आप लोग बताइए कौन कौन सा पॉइंट याद रखा जाए, 5 5 पॉइंट लेफ्ट और राइट में कर सकते हैं आप। इन द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज क्रिएटेड, तो पहला तो प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग कैन ओनली बी यूज फॉर द मेटल्स विच आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए हो सकता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिव मेटल्स। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, और यहाँ पे चाहिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड, मतलब ये बस पॉइंट को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, गैस सॉरी सिलेंडर ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ आर वेल्डिंग नो, तो यही बस एक दूसरे को क्रॉस करके बनाया गया पॉइंट। बोलो इसमें टेम्परेचर कितना हो सकता है, 6000, यहाँ पे 35 मैक्सिमम। इसलिए ये जो मेटल जो भी हम वेल्डिंग करेंगे, इसमें टेम्परेचर की बात बता दी हमने, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, आर्क वेल्डिंग कैन बी यूज फॉर द ज्वाइनिंग थिकर कंपोनेंट्स, और ये थीन शीट्स एंड थीन प्लेट्स उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो मोटे मोटे प्लेट्स को भी ये जोड़ सकता है, बट ये इसमें टेम्परेचर कम है। अगर इसको आप आर्क वेल्डिंग से करोगे तो मटेरियल मेल्ट होके फ्यूज आउट हो जाएगा, फ्यूज आउट हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। तो थिन शीट्स क्या नहीं करते हैं, शीट मेटल्स टीन्स, इसका हम लोग नहीं करते हैं आर्क वेल्डिंग से, किससे करते हैं, गैस वेल्डिंग से करते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग हैज इनहेरेंट, अभी देखो 3-4 पॉइंट, 5-6 पॉइंट मैंने यही बता दिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट, उसके बाद आप देख लेना कौन सा पॉइंट आपको और आसान लगता है। मुझे तो ये पॉइंट आसान लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इसका जो प्रिंसिपल है H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी पे काम करता है। अगर हम T क्या है, टाइम है, ये कितने देर तक आप टाइम देते हो उसको, I करेंट, R इज द रेसिस्टेंस। अभी देखो इसमें इसका डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द वर्कपीस आर वेल्डेड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू देम एंड द लोकलाइज्ड हीट जनरेटेड बाय द हाई इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द वेल्डिंग। जब हम इसको दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट लाते हैं तो रसिस्टेंस जनरेट होता है, रसिस्टेंस जनरेट होने की वजह से जो आपने करेंट सप्लाई किया है वो भी फ्लो होने लगती है, तो आई स्क्वायर भी बढ़ जाएगा, रसिस्टेंस भी बढ़ रहा है कॉन्टेक्ट एरिया की वजह से, और आपने कुछ समय के लिए उसको छोड़ा भी है, तो टी भी बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, रेसिस्टेंस भी बढ़ गया है और करंट भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, जिसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, और यही हीट है सफिशियंट फॉर वेल्डिंग एट अ लोकलाइज्ड पॉइंट ऑफ द टू प्लेट्स। अब इसमें जो ज्वाइंट हो रहा है वो लैप ज्वाइंट है या बट ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है। ठीक है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसमें दो टाइप के होंगे, स्पॉट वेल्डिंग जो कि हम बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग, यहाँ पे हुआ फिर यहाँ पे हुआ उसके बाद आगे आगे ऐसे पॉइंट वाइज होगा वेल्डिंग। तो इसमें क्या करेंगे, दो प्लेट रख दिया हमने और एक ऊपर ऊपर एक इलेक्ट्रोड है और एक नीचे इलेक्ट्रोड है, और आपने सप्लाई किया है एसी पावर सप्लाई। ठीक, और ड्यू टू रेसिस्टेंस देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट विल बी कंबाइंड विद द रेसिस्टेंस दैट विल प्रोड्यूस हीट एंड दैट हीट इज सफिशियंट फॉर द वेल्डिंग एट अ पॉइंट, और ये पॉइंट पे ही वेल्डिंग कर पाएगा। आप देखेंगे ये कॉन्टिन्यूस ऐसे आप कॉन्टिन्यूस नहीं मूव कर सकते, फिर इसको आपको इसका कॉन्टेक्ट आपको रिलीज करना पड़ता है, फिर से आप नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हो, फिर वहां पे वेल्डिंग करता है, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पॉट वेल्डिंग। तो इसका यूज कहाँ होगा, मैंने बताया भी था जब प्रेजेंटेशन चल रहा था, क्या ये हम स्पॉट वेल्डिंग उस जगह करेंगे जहां पे आपको लिक्विड या गैस को फ्लो कराना हो पाइप में, वहां पे यूज करेंगे क्या इसको? Yes, sir. नहीं, यस किसने बोला, यस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से लिक्विड निकल ही जाएगा बाहर। यस सर, स्पॉट्स तो वो निकल जाएगा फिर। हाँ, स्पॉट्स में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, सिर्फ स्पॉट्स की जगह पे वेल्डिंग हुआ है ना, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका यूज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक वायर को इसमें इंसर्ट कराने के लिए, सॉलिड चीजों को इसमें इंसर्ट कराने के लिए, क्यों, चूहे का बिल बनाने के लिए कर सकते हैं क्या? बोल ही नहीं रहे सब यार, इंटरेक्टिव yes, नहीं है बच्चे। चलो ठीक है, चूहे के लिए नहीं बनाना है हमें, किसके लिए बनाना है, जैसे सॉलिड के लिए वायर, या फिर इसमें हमको कुछ फ्लो करवाना है, जैसे इसमें लीकेज से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उस तरह की पाइप्स को हम बना सकते हैं। अगर हमें सीमलेस करना है, सीमलेस मतलब ज्वाइंट नहीं दिखाई दे, कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग हो,
तो कंटीन्यूअस वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो इलेक्ट्रोड है वो किसके फॉर्म में, रोलर के फॉर्म में। तो आप देखेंगे जहां जहां कॉन्टेक्ट बनता जाएगा वहां पर असिस्टेंस क्रिएट होगा और वेल्डिंग होती जाएगी और कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग होगी। इस कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग से किसके लिए कर सकते हैं आप, पाइप के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज दिखाया है, यहाँ पे आपने पाइप को, आपने प्लेट को फोल्ड किया और उसको रोल करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया और यहाँ पे सीमलेस वेल्डिंग कर दिया आपने, जिसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग। ठीक है? यस सर। सोल्डरिंग ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ब्रेजिंग, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी कॉपी पूरी भर जाएगी सोल्डरिंग ब्रेजिंग में। सोल्डरिंग ब्रेजिंग दो नंबर का आएगा तो अलग अलग आएगा, साथ में आएगा हमेशा, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एग्जाम में अगर आता है तो साथ में आएंगे दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिएगा, टीएफ क्या है, टीएफ इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल। टीबी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल या फिर वर्कपीस। ये किससे ज्यादा है, फिलर मेटल के मेटल मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है और ये 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इसका मतलब ब्रेजिंग में जब हम ज्वाइनिंग प्रोसेस करेंगे तो कौन मेल्ट हो जाएगा, देखो मेल्ट किसको होना है, फिलर मेटल को तो होना ही होना है, तभी तो यूज हो रहा है वो, बोलिए। यस सर। फिलर मेटल तो इसीलिए यूज हो रहा है ताकि मेल्ट हो, अदरवाइज इसको यूज क्यों करेंगे भाई, तो उसको तो मेल्ट होना ही है। ठीक है, उसके बाद इसको मेल्ट करना है तो वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना है, 450 से होना ही पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि ये फिलर मेटल मेल्ट हो जाए। लेकिन बेस मेटल मेल्ट होगा क्या, नहीं, नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिलर मेटल मेल्ट होगा और ये फिलर मेटल बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन जानते हैं आप, दिया दीपक में आप अगर केरोसिन में अगर आप एक कपड़े को डाल देंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है केरोसिन, और यहाँ पे अगर आपने माचिस से जलाया तो ये जलने लगता है, जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था दीपक। ठीक है, इसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। केरोसिन नीचे से ऊपर आ गया अपने आप बिना पंप के, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ गया, इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जब भी ये डायामीटर, जो गैप है डायामीटर जिसमें से फ्लो कराना है, अगर ये 6 mm से कम है तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है। तो जो ये गैप बनाया गया दो मेटल के बीच में ज्वाइंट करने के लिए, ये जो गैप है वो 6 mm से भी कम है, इसलिए यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हो रहा है। जैसे आपने लिक्विड मेटल को यहाँ पे, सॉरी फिलर मेटल को यहाँ पे मेल्ट किया, वो अंदर चला गया अपने आप, फ्लो हो गया अंदर और वहां पे लोकलाइज्ड वेल्डिंग कर दिया, सर वेल्डिंग नहीं बोलेंगे इसको, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बेस मेटल। बेस मेटल से फिलर मेटल एकदम डिफरेंट होता है, वेल्डिंग में सेम हो सकते हैं बट ब्रेजिंग में एकदम डिफरेंट होंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज सब्सटेंशियली लोअर देन दैट ऑफ द बेस मेटल। अपने आप पता चल रहा है अगर मेल्टिंग पॉइंट भी कम है तो बेस मेटल से कमजोरी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट तो ब्रेजिंग जो ये मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, जो कि हम लोग इस रिलेशन से हमको पता चल जा रहा है, कैपिलरी एक्शन, अभी जो मैंने बताया कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये हर पॉइंट पे जहां जहां गैप होगा वहां वहां पहुंच जाएगा जो लिक्विड फिलर मेटल है। ठीक है, जो ब्रेजिंग मेटल्स में आपको ये वाला याद रखना है, सिर्फ ब्रेजिंग ब्रास को, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रेजिंग ब्रास को याद रखेंगे। 60% कॉपर एंड 40% जिंक यूज किया जाएगा ब्रेजिंग में। ठीक है, ये है, मतलब इसको ब्रेजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्रास यूज किया जाता है इसमें और ब्रास का कंपोजिशन यही होता है, 60% कॉपर एंड 40% जिंक, कॉपर का अलावा है विद जिंक। ठीक है, यस सर। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में क्या होगा, देखिए उल्टा हो गया, उल्टा हो गया क्या ये, या कम हो गया, सोल्डरिंग में टेम्परेचर, वेल्डिंग टेम्परेचर ब्रेजिंग से कम है या ज्यादा है, कम हो गया, उसमें 450 से ज्यादा था, इसमें कम हो गया। टीएफ, टीएफ फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है 450 से कम है, इसका मतलब फिलर मेटल 450 डिग्री सेल्सियस से कम में ही मेल्ट हो जाएगा,
इसमें ज्यादा टेम्परेचर राइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं इसमें लेड यूज किया जाता है, जो सोल्डर मटेरियल है वो लेड से बना होता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है बहुत ही इजिली। ठीक है, और मोस्टली इसको यूज कहाँ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड्स वगैरह। यस, क्यों वहां पे और कोई तरीके से नहीं कर सकते, वेल्डिंग से क्यों नहीं कर सकते वहां पे जॉइंट? सर वो टेम्परेचर ज्यादा। यस, मदरबोर्ड ही जल जाएगा पूरा, बताओ। प्लास्टिक का होता है। yes, प्लास्टिक का होता है ना, तो वो तो पूरा मदरबोर्ड ही जला देगा वो, फिर ब्रेजिंग क्यों नहीं करे, उसमें भी टेम्परेचर ज्यादा है, उसमें भी टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लेड मेल्ट हो जाता है, जो उसका फिलर मेटल है मेल्ट हो जाता है, बहुत ही थोड़ा सा आप टेम्परेचर देते हो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोल्डर मेटल्स एंड सोल्डर फ्लक्स, फ्लक्स ऊपर से यूज करते हैं, पाउडर के फॉर्म में होता है अमोनियम क्लोराइड का, फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि बाहर से ऑक्साइड लेयर ना बन जाए, फ्लक्स का काम ही है यही, जो शील्डिंग गैस का था, फ्लक्स का क्या काम है, जो शील्डिंग गैस का था, बट शील्डिंग गैस आर वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली भी है, उसको स्टोर करना भी मुश्किल है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग फ्लक्स, सॉलिड फ्लक्स यूज कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर रख दें और वेल्डिंग करते जाए। सोल्डर मेटल आपको ये वाला याद रखना है, कौन सा, ये याद करना, मोस्ट सोल्डर्स आर एलॉयज ऑफ लेड एंड टीन, इससे बनते हैं। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना आपको, सोल्डर मेटल कौन से हैं, और ये सोल्डर फ्लक्स, अमोनियम क्लोराइड फॉर सोल्डरिंग टीन। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर इसी का बनता है क्या? कौन सा? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर नहीं, नाइक्रोम से पता चलता है, निकिल और क्रोम का एलॉय है, क्रोमियम का यूज बताओ, तो सोल्डरिंग के अंदर तो यही काम आता है ना, नाइक्रोम वायर का यूज वो बताओ, यूज बताओ कहाँ पे होता है यूज? सर सोल्डरिंग के अंदर यही तो फिलर मैटर होता है सर, बल्ब में सर, हीटर में होता है क्या? अरे यार कुछ और, ये तो हाई टेम्परेचर पे, इसके हाई टेम्परेचर पे हो सकता है बेटा, इसका एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, ये तो हीट रेसिस्टेंट वायर है यार, हीट रेसिस्टेंट वायर है, हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड करने के लिए, ये मेल्ट नहीं होता जैसे सोल्डर वायर मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट थोड़ी ना होगा, नाइक्रोम, नाइक्रोम का यूज ही ऐसा है कि निकल हाई टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, फिर भी देखेंगे। ठीक है, यस सर। एक सेकंड, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पी लिखिएगा, कैपिटल पी कमेंट बॉक्स में, हो गया। क्रोम वायर पे यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? हीटर, हीटर, हीटर में, देखो सही बता रहे हो, वहां पे वो मेल्ट नहीं हो सकता ना, हीटर मेल्ट हो जाएगा तो हीट कैसे करेगा, क्यों?
Yes, हो गया अटेंडेंस हो गया सबका। सर कमेंट बॉक्स ही नहीं दिखा। कमेंट बॉक्स नहीं मिला तुमको? नहीं सर। वो देखिए आप लिखा होगा चैट। चैट लिखा है क्या लिखा बेटा? थ्री डॉट पे डाल इन कॉल मैसेज। थ्री डॉट्स को मोबाइल से हो तो थ्री डॉट्स में देखिए इन कॉल मैसेज लिखा हुआ है। इन कॉल मैसेज यही है मिला? यस सर मिल गया। अटेंडेंस हो गया सबका? बेटा दो दो बार मत करना प्लीज। अब यार जल्दी से बताइए आप लोग मिड टर्म थ्री कब होगा? मंडे मंडे? यस सर। रेडियो मंडे को ठीक है सर। मिड टर्म थ्री में यूनिट फाइव सिक्स 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 कितनी बार बता चुका हूँ मैं सिक्स। ओके सर। सिक्स का ही तो एग्जाम नहीं हुआ है ना ही प्रेजेंटेशन हुआ है। ओके सर ठीक है। और जो हाउ टू राइट इन एग्जाम का है वो होगा ट्यूसडे को ठीक। ओके सर। यस सर। ओके थैंक यू। करेंगे थैंक यू सर। एग्जाम की प्रिपरेशन कब करेंगे? जैसे मैथ का पेपर है पहले तो क्या कह रही हो प्रियंका बताओ फिर से। प्रियंका यस सर बोलो। सर मैं बोल रही थी एग्जाम की प्रिपरेशन कब करेंगे? जैसे पहले मैथ का है तो मैथ की तैयारी कैसे करेंगे फिर? मतलब जैसे बीएमई में रह जाएंगे तो आप तुम बताओ क्या किया जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ पहले हो जाता तो सही रहता। कब करो बताओ सर? पेपर के बाद ले लेते। पेपर के बाद तो नहीं बेटा है। पेपर के बाद देने से क्या फायदा है? सर पेपर के बाद तो हमारी पूरी प्रिपरेशन भी रहेगी ना सर। 29 को तो मैथ्स का पेपर है कि आप 6 को ले सकते हो। फायदा क्या एग्जाम के बाद? पढ़ाई तो एग्जाम से पहले फायदा होगा ना सर। उस टाइम मुझे इंश्योर कराओ कि आप लोग पढ़ लोगे। सर 3 अप्रैल को ले लो सर। सर बीएमई के टाइम पे 2 दिन का गैप है या तो उस समय? 2 दिन का है, 1 दिन ही तो है। सर आफ्टर संडे को ले लो। संडे यस सर।